हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अब बैक टू बैक आपने देखा मेरे चैनल के ऊपर फेस्टिव हॉल्स आ रहे थे, अभी और भी हॉल्स आएंगे। मैंने अगस्त के मंथ में ना अब फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत सारे फेस्टिव हॉल्स आप लोगों के लिए प्लान किए हैं। आज की वीडियो में 5 आउटफिट्स आप देखोगे, सारे आउटफिट्स मीशो से हैं और ये आई थिंक अंडर 1000 तक ही हैं। 1000 लाइक 750, 800, 900, 950, मतलब बिल्कुल वैसे वाले। अगर आपको हैवी आउटफिट्स चाहिए 2-2500 वाले, तो आप मेरे पुराने हॉल्स मीशो के जाके देखो। ये 10-15 दिन पहले मैंने वीडियोस डाली थी, तो आपको इसमें हैवी आउटफिट्स दिखेंगे, इसमें थोड़े से लाइट वेट। ठीक है जी, चलो साइड बाय साइड आपको ट्राई ऑन हॉल दिख जाएगा और लिंक्स आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो गाइस, ये जो ऑफ वाइट कलर का सूट है ना, बहुत सुंदर सूट है, बहुत सुंदर। कढ़ाई से लेके, कलर कॉम्बिनेशन से लेके, दुपट्टे से लेके, स्टफ से लेके, फैब्रिक से लेके, इट्स लाइक परफेक्ट ऑफ वाइट कलर का। अगर आपको कोई सूट चाहिए ना आने वाले फेस्टिवल्स में, अगर आपको कुछ अभी यार इतने सारे फेस्टिवल्स आने वाले, ठीक है, तो आप इसको आंख बंद करके बाय कर लो, यू विल लव इट। सबसे पहले तो आई लव द कलर, इतना परफेक्ट वाला ऑफ वाइट कलर है ना, आई लाइक इट। और इसके ऊपर इतनी सुंदर लाइट पिंक और येलो कलर की कढ़ाई, कैसे कट आउट है ना, मतलब पूरे दुपट्टे के ऊपर। दुपट्टे की क्वालिटी भी बहुत फाइन क्वालिटी है, सिल्क का दुपट्टा है और आई लाइक इट यार, मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सूदिंग सा आउटफिट है ये। देख रहे हो जरा, सारा अली खान को मैंने बहुत बार देखा ऐसे ना लाइट वेट आउटफिट्स डालते हुए ऑफ वाइट कलर में, जिसमें हल्की सी कढ़ाई होती है, हल्की इन द सेंस की हल्के कलर की कढ़ाई होती है, तो बस चटैक कलर वाली कढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल वैसा है। पूरे दुपट्टे के ऊपर आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है एंड यहाँ पे भी आप देखो जरा, पूरा आपको इस तरह से वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर सूट है। इसका अगर बॉटम की बात करूँ ना, तो बॉटम आप देखो जरा, बॉटम नहीं सॉरी, मतलब सूट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें इस तरह से वर्क है, जो बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। बॉटम आपको एकदम प्लेन मिलेगा। जो 1000 तक के सूट्स होते हैं ना गाइस, जितने भी अभी मैंने आपको पिछले भी 2 हॉल्स में दिखाए, सब के बॉटम्स प्लेन है। अगर आपको हैवी बॉटम वाला चाहिए ना, हैवी शरारा हो गया या लहंगा हो गया, तो पुराने हॉल्स आप मेरे जाके चेकआउट करो, ठीक है। आपको थंबनेल में सबकी फोटोज वगैरह दिख जाएंगी, तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर बहुत सारे हॉल्स हैं ना, तो मैंने थंबनेल में ना सारी वो फोटोज लगा देती हूँ, ताकि देखने वाले को पता लग जाए, ओके इस वीडियो में ये वाले 4-5 आउटफिट है, ठीक है, इजी रहेगा आपको भी ढूंढने में। पहला आउटफिट तो ये है, आई वुड हाईली रिकमेंड आप इसको लो। नेक्स्ट वाला आउटफिट इज लाइक ओके आउटफिट, हल्का फुल्का अगर आपको कुछ के लिए अगर चाहिए ये, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, ये मरून कलर का है, बट दिखने में अच्छा लग रहा है, ऐसे लाइट वेट है ये, बहुत हैवी वाला। एक होता है ना हैवी बनारसी सूट है ना, ये बनारसी की कॉपी मारी हुई है, बस और कुछ नहीं है, ये बनारसी सूट जैसा इन्होंने बनाया हुआ है, बट इट्स नॉट दैट हैवी, इट्स वेरी लाइट वेट वैसा बनारसी सूट है। बनारसी सूट्स में ऐसे प्रिंट होता है ना, ऐसे शाइन सी होती है कपड़े में, और दुपट्टा भी ऐसा ही होता है ना, होता है ना बनारसी साड़ीज भी आपने देखी होगी, तो ये बहुत लाइट वेट मटेरियल है। ये भी अच्छा होता है, क्योंकि मैं अगर बताऊँ ना, अगर मैं खुद, मेरे पास बनारसी साड़ीज हैं या फिर बनारसी कोई और हैवी सूट, वो ढलते भी नहीं है एक्चुअली, ये सही है उस अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो। मेरे पास इतनी बनारसी साड़ी है, अभी मानो कि मैंने ना हरियाली तीज मेकअप लुक करना, तो उसके पास इतनी सुंदर मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी है और इतना हैवी येलो कलर का उसका ब्लाउज है, मेरे से वो साड़ी नहीं डली, वो इतनी हैवी बनारसी साड़ी मैं डालती रही, आधा घंटा लगी रही, फिर आखिर में मैंने क्या कि वो साड़ी को साइड में कि एक हल्की मटेरियल की जो साड़ी थी ना ग्रीन कलर में, लहरिया प्रिंट जो मैंने पहले भी डाली हुई है, उसको डाला और उसके साथ मिक्सअप मैच किया रेड कलर का ब्लाउज और मैंने वीडियो बना दी। हैवी चीज़ें मेरे से डलती भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग तो गाइज आई लाइक द सूट, ठीक है, उस अकॉर्डिंग लाइट वेट है तो मुझे पसंद आया फिर, क्योंकि हैवी कपड़े मेरे से डलते नहीं, फिर एट द एंड अलमारी में पड़े रहे, उसका क्या फायदा। प्लेन आपको इसके साथ पैंट मिलेगी, प्लेन जितने भी सूट्स हैं सबके साथ आपको प्लेन ही मिलेगी, क्योंकि अब लाइट वेट सूट है ना ये। पीच कलर का है गाइस, जॉर्जेट का ये सूट है, पीच कलर का, नेक का डिजाइन आप इसका देख सकते हो, और पूरे सूट के ऊपर ना ये कितना सुंदर सा पैटर्न है, ये कितना सुंदर सा इसका है ना, ये राउंड में और बीच में ऐसे, आई लाइक इट,
लेस भी अच्छी लग रही है इसकी, इसके साथ जो लेस लगाई हुई है ना बहुत सुंदर लगी, लेस अच्छी सी लेस है डिसेंट सी। और नेक पे आप इसका वर्क देख सकते हो, अच्छा वर्क किया हुआ है, पीच कलर प्यारा लग रहा है। अच्छा मैंने आगे से देखे नहीं, अभी देख रही हूँ मैं। ये देखो जरा पूरे सूट के ऊपर इस तरह से धागे का काम किया हुआ है, और यही वाला सर्कल आपको स्लीव्स के ऊपर भी मिल जाता है, वेरी नाइस डिफरेंट सा है इसका। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कितना हैवी है, सुंदर काम किया हुआ है, डिफरेंट सी कढ़ाई है। उसके बाद गाइज आपको इसके साथ मिल जाता है दुपट्टा, जिसके एक तरफ एंड में ना इस तरह से डिजाइन है जो हमारे इसमें था, कमीज में था, ठीक है, सेम वैसा ही है। साथ में सी ग्रीन कलर का थोड़ा सा हल्की सी पट्टी सी लगाई हुई है, पीच के ऊपर ग्रीन वैसे बहुत अच्छा से पॉप करता है। ये दुपट्टे के एक ही तरफ के हुए काम एक तरफ प्लेन है, एक ही तरफ है जहां से आपको आगे की तरफ रखना है, समझ रहे हो, बस इतना सा ही है। इतने से इन्होंने हैवी कर दिया है, मतलब थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी है, समझ रहे हो ना, कि बस आगे आगे इतना सा रहे, पीछे वैसे भी कौन देखता है, तो आगे की तरफ आपको ये पल्ले में मिलेगा, पीछे वाले पल्ला खाली आपका। चलो इसके साथ आपको प्लेन कॉटन का है, ये पजामी लग रही है मेरे को, ये कॉटन की पजामी आपको मिल जाएगी, ठीक है, प्योर कॉटन की पजामी। ये दुपट्टा बार बार गिरी जा रहा है, बड़ा आई लाइक दिस सूट, मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर गाइज ये इसका मटेरियल कैसा है, क्रेप टाइप का मटेरियल है, बिल्कुल गर्मियों के अप्रोप्रिएट नहीं है, ये लाइट वेट है ये वाला सूट, अगर ठंड के मौसम में डालो ना लाइट, जो अभी ठंड आने वाली है तो उसमें आपको सही जाएगा। ये बहुत सुंदर लाइट पिंक, पिंक पीच कलर है, पिंक भी है और पीच का भी टोन है, ठीक है, सूट है ये। और इसके पूरे धागे का काम है, ये प्रिंट नहीं है गाइस, ये एक्चुअल में धागे की कढ़ाई की हुई है, जो अच्छी लग रही, मतलब प्यारी लग रही है, और पूरे सूट के ऊपर ना इस हिसाब से कढ़ाई की होगी आपकी, जो लाइट सूट के ऊपर ये दिख रहा हो दूर से ना, ये दिख रहा है। और इन्होंने सेम ऐसे कॉम्बिनेशन में ना दुपट्टा दिया हुआ है, जिस कलर की कढ़ाई है ना उसी कलर के बीच बीच में ऐसे इस तरह से दुपट्टा है, फ्लोरल सा दुपट्टा है, बड़े बड़े फूलों वाला दुपट्टा, ये आपका बहुत स्लिप करेगा। आई थिंक ये क्या सिल्क मटेरियल, सिल्क नहीं क्या मटेरियल उसको बोलते हैं यार, पुल कच जो करता है, मुझे नाम नहीं आ रहा, बट सेफ्टी पिन लगा लोगे तो आपका सही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ये लाइट कलर का आपको ये मिल जाता है, इसके साथ इसका बॉटम, बॉटम का वर्क सुंदर किया हुआ है, मुझे लगा प्लेन होगा, नहीं इन्होंने बॉटम पे वर्क दिया है थोड़ा सा, बॉटम प्यारा लग रहा है मुझे, इसका कलर भी प्यारा लग रहा है और ये कढ़ाई दूर से दिख रही है, इट्स लुकिंग प्रिटी, अच्छी लग रही है। उसके बाद फिर गाइस ये कितना मुलायम कपड़ा है, वाओ वाओ, ये कितना मुलायम, ये कॉटन का है, येलो कलर का ये सूट है, माय गॉड आप इसको अभी भी डाल सकते हो, इसकी नेट भी बहुत प्यारी लग रही है, यहाँ पे स्लीव्स भी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा लगा मुझे ये वाला सूट, हल्का फुल्का, ये कोई फेस्टिव वाला नहीं है, हल्का फुल्का आप इधर उधर डालने के लिए, डेली ऑफिस कॉलेज घर पे उसके लिए ये वाला सूट है। ये वाइट कलर का आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मिरर वर्क किया हुआ है, प्लास्टिक वाले मिरर है ये, और स्लीव्स प्यारी सी दी हुई है, नीचे भी आपको कुछ इस तरह से इसका वर्क मिल जाता है, इसकी शेप डिफरेंट है, दिख रही है आपको, फिश कट बोलते हैं इसको, फिश कट जैसी इसकी शेप है ये, आई लाइक इट। फैब्रिक भी इसका बहुत कंफर्टेबल है, इसके साथ आपको ये मिल जाता है प्लाजो, प्योर कॉटन का है गाइज, अगर आपको कॉटन का सूट चाहिए ना, कलर बहुत सुंदर है इसका, ये छोटी छोटी सी डिटेलिंग बहुत सुंदर है, ये वाली लेस कितनी डिफरेंट सी लगी ना मुझे, अच्छी लग रही है लेस, डिफरेंट सी है नीचे से, एंड खुल्ला डुल्ला सा है ये प्लाजो है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसके साथ नेट का दुपट्टा है, दुपट्टे में भी आप देख सकते हो वाइट कलर के छोटे छोटे यू ना ऐसे धागे की कढ़ाई की हुई है दोनों तरफ है ये इस हिसाब से, ठीक है। तो गाइज यही था आज का हॉल, और आज के हॉल में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा मुझे बताना जरूर, ये मुझे सबसे अच्छा तो ये ऑफ वाइट लगा, उसके ये येलो वाला लगा,
बाकी आप समझते रहो। चलो यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, लव यू। अभी यहाँ पे बैठ के एक और हॉल हम शूट करेंगे, क्योंकि आज हमने टोटल मीशो के 4 हॉल शूट करने थे, 5 हमने ट्राई ऑन हॉल करने थे, क्योंकि टोटल मैंने 20 आउटफिट मंगवाए हुए थे।